दोस्तों अभी टाइम हो चुका है शाम के 5:15 और अभी सभी बच्चे रुक चुके हैं यहाँ पर इस टेस्ट के लिए। शिवम थोड़ा सा बुराई तो अकेले में तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल में और ये रही नैनी झील। ये रहा मौसम, भी तो बता दें यहां का मौसम काफी ठंडा यहाँ पर अभी शाम के टाइम बना हुआ है। ये ऐसे ब्लॉग में आएगा ठीक है। और तो दोस्तों यहाँ पर काफी ठंडा भी हो रही है हमारे एरिया के मुकाबले में। और ये रहा रात का नजारा इधर का। दोस्तों यहाँ पर देखिए खूबसूरत नज़ारे और काफ़ी चलने के बाद अब भूख लग चुकी है तो सबसे पहले करते हैं हम लोग डिनर। और सबसे पहले बैठते हैं हम दो लोग और आ चुके हैं अब सभी लोग। वो खचा खच पूरा होटल हमने भर दिया है अपनी तादाद से। तो चलिए करते हैं पहले डिनर फिर थोड़ी देर वॉक करेंगे और उसके बाद दिखाएंगे आपको आज का स्टे जहाँ हमने आज करना है। तो होटल रूम आज को आपको आज दिखाएंगे। तो चलिए करने देते हैं पहले सबको। तो दोस्तों यहाँ पर आ नैनीताल का प्रसिद्ध और यहाँ की पूजनीय देवी माँ नैना देवी का मंदिर। और समय के अभाव कारण हम यहाँ पर काफ़ी लेट पहुँचे और यहाँ पर भी मंदिर दर्शन नहीं हो पाए। कोशिश करेंगे हम सुबह यहाँ आए जितना हो सके। अगर नहीं हो पाएगा तो देख लीजिए आप ये रहा मंदिर। और दोस्तों ये रहा यहाँ पर मंदिर के सामने का मार्केट नज़ारा रात के समय का। आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर आपको मंदिर के साथ मस्जिद गुरुद्वारा सभी जो अलग अलग धर्मों के जो आस्था के केंद्र हैं सभी आपको काफ़ी करीब में यहाँ पर दिखने को मिल जाएंगे। रात को यहाँ का नज़ारा काफ़ी चमकदार बना हुआ है मतलब दिखने में काफ़ी मज़ा सा आ रहा है। तो देखिए आप खुद ही। तो दोस्तों आज का ये रहा हमारा आशियाना। ये हमारी बिल्डिंग और ये रहा हमारा वॉशरूम। नैनीताल जी देखो पानी डाल देना ठीक है। ठीक है डन। आगे दिखाना क्या आगे पीछे है? आगे पीछे दिखाना क्या आगे पीछे? नहीं बस इतना ही काम है। और ये रहा रूम का कुछ नजारा। ये रहा अगला रूम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को ज्यादा ब्लॉग न बनाते हुए अभी हम सुबह उठ के आ चुके हैं झील का नजारा लेने के लिए। तो देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर सुबह सुबह झील लग रही है। काफी साफ पानी है इसलिए यहाँ पर अभी मछलियां हमें तैरती हुई दिख रही हैं काफी तादाद में। तो लीजिए इस नज़ारे का मजा और देखिए दोस्तों पूरे झुंड में एक स्पेशल व्हाइट मछली। दोस्तों रात को हम इस मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आ पाए तो सोचा इसी रास्ते आपको ले चले। तो दोस्तों जय श्री राम राधे राधे और उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जैसे आपने इससे पहले का मेरा ब्लॉग का पार्ट देखा होगा या फिर उसी पार्ट में मैं इसको एडिट करूँगा। तो नैनीताल जो हम ट्रिप पर आए थे कॉलेज की तरफ से जो इंडस्ट्रियल विजिट हमारा था तो उसका आज सेकेंड डे है मतलब आज है 26th of April। और अभी कॉलेज के बाकी स्टूडेंट से पीछे बस में और मैं आया हूँ थोड़ा आपके लिए ब्लॉग शूट करने। तो अभी कल हमने जो है आपको इंडस्ट्रियल विजिट अपना दिखाया होगा या इससे पहले क्लिप में दिखाया होगा। तो अभी हम चल रहे हैं एरिस में जो आर्यभट्टा रिसर्च जो है रिसर्च सेंटर है तो वहाँ चलेंगे आज दिखाएंगे आपको वहाँ का नज़ारा। तो चलिए और देखिए नज़ारा मेरे पीछे का नैनीताल का
कितना खूबसूरत और कितना हसीन यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों लीजिए, हम आ चुके हैं रिसर्च सेंटर में और ये आपके सामने रहा टेलीस्कोप। दोस्तों कभी कहते हैं ना, कुछ चीजें सोचने से ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि अगर आपको उस चीज का मिलना होगा तो मंजिलें आपको खुद ब खुद उस जगह ले जाती हैं। इसी तरह कुछ महीनों या कुछ साल से मेरा भी यहाँ आने का सपना था। कल जाते हुए तो अनुमान नहीं लगा पाया कि हम यहाँ आ पाएंगे, परंतु आज घर की वापसी की के दौरान हम भी यहाँ आ चुके हैं और भीड़ होने के बावजूद भी देखते हैं बाबा के दर्शन हमें हो पाते हैं या नहीं। तो चलते हैं अंदर की ओर। मेरी भी काफ़ी तमन्ना थी यहाँ आने की और शायद बुलावा होगा और मैं आज इस दरबार पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों अंदर कैमरा ब्लॉगिंग कुछ भी अलाउड नहीं है, तो करता हूँ कैमरा ऑफ, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन काफ़ी अच्छे से हो चुके थे और वहाँ से आने के बाद अब दिन का समय है, तो लंच करते हैं और निकलते हैं अपने घरों की ओर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी यह जर्नी पसंद आई होगी और सभी लोग यहाँ पर थके हारे सो चुके हैं। तो दोस्तों वेट कीजिएगा नए ब्लॉग का। अगर आपको पसंद आए तो अपना प्यार दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।